हेलो एवरीवन, स्ट्रक्चर टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ये आज की ये क्लास हमारे बिहार पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्व प्रदान किया है? ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो, टाइनबी। किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्व प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र के प्रमुख विवादों में एक आधुनिक पूंजीवाद के उद्भव में कार्ल मार्क्स और वेबर के विचार हैं। वेबर का मत है कि विश्व में विचार शासन नहीं करता है, बल्कि कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों में विचार या सिद्धांत स्वतंत्र रूप में सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करते हैं। वेबर ने कहा है, विश्व में विचार शासन नहीं करता है, बल्कि कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों में विचार या सिद्धांत स्वतंत्र रूप से सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में सर्वोदय योजना को तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन अग्रणी थे? ऑप्शन में है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण, जॉन मथाई। सर्वोदय योजना को तैयार करने में कौन अग्रणी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था सेवाओं का वस्तुओं से विनिमय है। ऑप्शन में है कानून के अनुसार, प्रथाओं के अनुसार, वस्तुओं के मूल्यों के अनुसार, निष्पादित सेवाओं के अनुसार। जजमानी व्यवस्था सेवाओं का वस्तुओं से विनिमय है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रथाओं के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन में है अर्जित परिस्थिति एक न्यायाधीश, प्रदत्त परिस्थिति प्रौढ़ावस्था, स्थिति परिस्थिति पुंज लिंटन, भूमिका पुंज मर्टन। तो इसका राइट आंसर अर्जित स्थिति ये न्यायाधीश एक न्यायाधीश यह सही है, प्रदत्त परिस्थिति प्रौढ़ावस्था ये भी सही है, भूमिका पुंज मर्टन का ये भी सही है, परिस्थिति पुंज ये भी मर्टन ने दिया है, लिंटन ने नहीं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तर्क प्रस्तुत करता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से कौन तर्क प्रस्तुत करता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं? ऑप्शन में है क्रोबर, श्रीनिवास, एफ जी वेली, जे एच हट्टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्रोबर। क्रोबर ने कहा है, जाति नृवंशी इकाई का एक अंतर्विवाही वंशानुगत उपविभाग है जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अन्य ऐसे भागों की तुलना में
ऊंची या निम्न होती है। उन्होंने फिर कहा है, जातियां सामाजिक वर्गों की विशेष स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाज में पाई जाती हैं। क्रोबर ने जात के संबंध में कहा है, जात नृवंशी इकाई का एक अंतर्विवाही वंशानुगत उपविभाग है जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अन्य ऐसे भागों की तुलना में ऊंची या निम्न होती है। और उन्होंने फिर कहा है, सामाजिक वर्गों की विशेष स्वरूप हैं, जातियां सामाजिक वर्गों के विशेष स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाज में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में है MS गोरे, SC दुबे, आंध्रे वित्ते, IP देसाई। पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, ये कहा है आंध्रे वित्ते ने ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को आघात लगता है तो सोरोकिन के मतानुसार निम्न में से कौन एक क्रियाशील होता है। जब सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को आघात लगता है तो सोरोकिन के मतानुसार निम्न में से कौन एक क्रियाशील होता है। ऑप्शन में है संगठन का सिद्धांत, विघटन का सिद्धांत, ध्रुवीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ध्रुवीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन में 1955 में, 1952 में, 1956 में, 1957 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास अभिजात वर्गों की कब्रगाह है, ये वक्तव्य देने वाले थे कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, विल्फ्रेड पेरेटो। इतिहास अभिजात वर्गों की कब्रगाह है, ये कहा है ऑप्शन 4, विल्फ्रेड पेरेटो ने। पेरेटो कहते हैं, वस्तुतः कुछ भी कभी नहीं बदलता, वस्तुतः कुछ भी कभी नहीं बदलता और इतिहास सदैव कुलीन तंत्रों की कब्रगाह बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ। ऑप्शन में है 1818 में, 1838 में, 1848 में, 1868 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 1848 में। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स की अमर रचना है जो कि लंदन में फरवरी 1848 में प्रकाशित हुई। इसमें ही सर्वप्रथम सर्वहारा के क्रांतिकारी सिद्धांतों की एक संक्षिप्त एवं सरल व्यवस्था की गई थी। 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है। 1838 में समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक सापेक्षवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत सापेक्षवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन में हर्ष कोबिट्स, रूथ बेनेडिक्ट, समनर कूले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, हर्ष कोबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संस्कृतियों चेतनात्मक, आदर्शवादी एवं इंद्री परक की अवधारणा परिवर्तन के संदर्भ में किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन में है सोरोकिन, टायलर, परेटो,
अर्नाल्ड टाइनबी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सोरोकिन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोकाचार कुछ भी उचित ठहरा सकते हैं, कुछ भी भर्त्सना होने से बचा सकते हैं? लोकाचार कुछ भी उचित ठहरा सकते हैं, कुछ भी भर्त्सना होने से बचा सकते हैं। ऑप्शन में है जोसेफ एवं राउशेक, समनर, इमाइल दुर्खीम, अकबर एवं नीमकाव। इसका राइट आंसर है लोकाचार कुछ भी उचित ठहरा सकते हैं तथा कुछ भी भर्त्सना होने से बचा सकते हैं। ये कहा है समनर ने, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है? ऑप्शन में आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आर्थिक लागत, निहित स्वार्थ और जड़ता सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक कारक हैं, जबकि आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन लाने में उत्तरदायी है, जो खुले समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विकास योजना के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विकास योजना के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? ऑप्शन में है कोलंबो योजना, जन योजना, मुंबई योजना, गांधी योजना। मुंबई योजना, कोलंबो योजना, जन योजना, गांधी योजना। मुंबई योजना, जन योजना, गांधी योजना, कोलंबो योजना। जन योजना, मुंबई योजना, गांधी योजना, कोलंबो योजना। इसका सही क्रम बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। उन्नीस सौ तैंतालीस ईस्वी में सबसे पहले बम्बई योजना आई थी, उसके पश्चात जन योजना व गांधी योजना आई, और लास्ट में कोलंबो योजना स्वतंत्रता के बाद की योजना है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद की योजना ये कोलंबो योजना है, और सबसे 1943 में बम्बई योजना आई थी, उसके बाद जन योजना, फिर गांधी योजना आई, और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ये कोलंबो योजना आई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन में हैरोड डोमर, पीसी महल नोविस एवं पीताम्बर पंत, जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती, अशोक मेहता। किसने भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पीसी महालनोबिस एवं पीताम्बर पंत। पहली पंचवर्षीय योजना को हैरोड डोमर ने तैयार की थी।
हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोविस मॉडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन में है एडविन लेमर्ट, मर्टन, समनर, कूले। विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एडविन लेमर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के मर्टन के अनुसार विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य है? आर के मर्टन के अनुसार विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य है? ऑप्शन में है अनुसारक, प्रवर्तक, कर्मकांडी, विद्रोही। विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड कर्मकांडी। आर के मर्टन के अनुसार कर्मकांडवाद या विधिवाद में व्यक्ति द्वारा विधियों को पूर्ण करने के पीछे निर्धारित कौन से लक्ष्य हैं? इन्हें वे नहीं जानते। व्यवहार के इस प्रकार में मर्टन ने लक्ष्यों की प्राप्ति को नकारात्मक यानी माइनस चिन्ह दिया है, अर्थात लक्ष्य विचलनकारी होता है। इसका राइट आंसर है कर्मकांडी, कर्मकांड या विधिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक व्यक्ति वे हैं जो राजनीति को धर्म के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं, जो समाज के प्रत्येक पंथ के लिए अच्छे होते हैं, जो समाज के भविष्य की रक्षा करते हैं, जो समाज में शांति को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। सांप्रदायिक व्यक्ति वो हैं जो ऑप्शन फर्स्ट जो राजनीति को धर्म के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राभातिक मदिरा पान से अभिप्राय है। प्राभातिक मदिरा पान से अभिप्राय है शराबी जो प्रतिदिन प्रातः काल से ही शराब पीना प्रारंभ करता है। शराबी जो शराब पीने की इच्छा पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं होता है। शराबी जो रात में पीना प्रारंभ करता है। शराबी जो लोगों को दिखाने के लिए पीता है। प्रभातिक मदिरा पान से अभिप्राय है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट शराबी जो प्रतिदिन प्रातःकाल से ही शराब पीना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक द्रव्य प्रयोग से संबंधित प्रबलीकरण सिद्धांत स्पष्ट करता है। मादक द्रव्य प्रयोग से संबंधित प्रबलीकरण सिद्धांत स्पष्ट करता है। ऑप्शन में मादक द्रव्य से उत्पन्न आनंददायक संवेदनाएं उसके प्रयोग को प्रबलीकृत करती हैं। सामाजिक पर्यावरण से औपचारिक संबंधों को, दूसरे व्यक्तियों से सीखे व्यवहार को, व्यक्ति की शक्ति की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट प्रबलीकरण सिद्धांत में अब्राहम विल्कर ने बताया है कि मादक द्रव्यों की सुखद अनुभूतियाँ उनके उपयोग को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है यह एक त्रुटिपूर्ण एवं अत्यधिक सरलीकृत सुझाव देना है कि महिलाओं से संबंधित उदारीकरण एवं अपराध में बढ़ती हुई भागीदारी के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है? किसने कहा है यह एक त्रुटिपूर्ण एवं
अत्यधिक सरलीकृत सुझाव देना है कि महिलाओं से संबंधित उदारीकरण एवं अपराध में बढ़ती हुई भागीदारी के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है। ऑप्शन में है पैगी सी गिवोडेनो, रीता जी साइमन, डब्ल्यू सी रेकलेस, जे वी कोवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, डब्ल्यू सी रेकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन को बढ़ा देती है, यह कथन है। ऑप्शन में है सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मैनहीम। गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन को बढ़ा देती है, ये कथन है ऑप्शन फर्स्ट सोरोकिन का। सोरोकिन के अनुसार गतिशीलता नैतिकता के विघटन को जन्म देती है, यह आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकी मैरियट ने एक अवधारणा जिसको उन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या हेतु अपनी सार्वभौमिकरण की अवधारणा के विपरीत रखा है। ऑप्शन में आधुनिकीकरण, परंपराकरण, स्थानीयकरण, सीमांतकरण। मैकी मैरियट ने एक अवधारणा जिसको उन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या हेतु अपनी सार्वभौमिकरण की अवधारणा के विपरीत रखा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, स्थानीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन में है एम एस गोरे, टी के ओमेन, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एम एस गोरे की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं सोशल वर्क एंड सोशल वर्क, ये 1965 में आई है। सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये पुस्तक 1968 में आई है। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, ये 1982 में आई है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये 1985 में आई है। सोशल वर्क, ये 1965 में प्रकाशित हुई। सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये 1968 में प्रकाशित हुई। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, ये 1982 में प्रकाशित हुई। सम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये 1985 में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको के समुदायों की अपने अध्ययनों में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने किन अवधारणाओं का उपयोग किया है। ऑप्शन में है संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, परंपरा एवं आधुनिकता, लघु एवं बृहद परंपराएं, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लघु एवं बृहद परंपरा। लघु एवं बृहद परंपरा की दो जुड़वा अवधारणाओं का प्रतिपादन रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कृषक समुदायों के सांस्कृतिक जीवन के विश्लेषण की एक पद्धति के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विधान का एक उदाहरण नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अनैतिक कार्य दबाव अधिनियम, दहेज निरोध अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम।
कौन सामाजिक विधान का एक उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ये 1955 में, अनैतिक कार्य दबाव अधिनियम ये 1956 में, सामाजिक दहेज निरोधक अधिनियम ये 1961 में, और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये सामाजिक विधान के अंतर्गत नहीं आता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये सुरक्षात्मक विधान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन में 1976 में, 1978 में, 1979 में, 1980 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम ये 1976 में बना था, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित्स इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है पाल वालेस, एस आर चार्लेस, एस एम मिचारेल, टी स्कारलेट एपिस्टीन। दलित्स इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन थर्ड, एस एम मिचेल ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे गुंदर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व होता है? ऑप्शन में है समाजवाद, एक महान महानगरीय केंद्र, साम्यवाद, एक महान औद्योगिक केंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक महान महानगरीय केंद्र का विश्व पर प्रभुत्व होता है। आंद्रे गुंदर फ्रैंक ने विश्व के विकसित पूंजीवाद देशों या मेट्रोपोलिस तथा एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के औपनिवेशिक राष्ट्रों के बीच औपनिवेशिक संबंधों के व्यवस्थित सिद्धांत को विकसित किया है। उन्होंने विश्व पर प्रभुत्व के संबंध में मेट्रोपोलिस को महत्वपूर्ण बताया है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इस चैनल से जुड़ें, जिससे ये क्लास एग्ज़ाम होने तक कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।